झूला रोड पे सी सब पूरी तरह से करा। हाँ तो करवा लेना यीशु यहाँ बुला के भी करवा देंगे, अनंत जी को बुला लेंगे, विप्रो वालों को बुला लेंगे के साथ डायरेक्ट। हां बुला के बात करेंगे, बात ही यीशु क्या है साहब, वो तो आने का देते ऐसे जयपुर से फोन आने से थोड़ी होता है, किसी सर से भी नहीं हुआ सर से वो ऐसा आप बताएं साहब के सामने आज के लिए बात कर लेंगे। बात देखिए तो वास्ता एक चीज है ना, वो तो इस तरह मीटिंग में अपने बड़े लेवल पे जो रोजगार है खर्चों का सारे पूछ के होंगे, ये जो अपने जच्चे जैसे वो खर्च करे तो नहीं कर पाए, ये भी क्या किया पहला प्रयास करेंगे प्रोग्राम रख के उसको वो करें, कहीं हो सकता है काम अभी करें कि छह महीने बाद तीन साल बाद अगले साल की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो आसपास के गांव की आपके रेल में जो जिनाई मांग है ना वो 100% पूरी की है, उससे बराबर हो जाएगा भाई, आपने अभी कर्तव्य जो सेलिंग के दिया उसको पूरा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी जो है हेलो क्या नाम है आपका? आज आपके जो वार्ता हुई थी, जो जिस 5 दिन से धरना चल रहा था, क्या वार्ता हुई, क्या सहमति बनी? मेरा नाम गंभीराम डूडी है, सर्वप्रतिनिधि कपूरडी। हमारे अभी MLA साहब और शेखावत साहब कैन की तरफ से और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि ने मौजूदगी में ये वार्ता हुई कि आज से कल से 85 आदमी को रेगुलर किया जाएगा, उसके बाद 1-2 महीने में जो 500 आदमी की डिमांड है वो कंपनियां पूरी की जाएगी, और विशेषकर 5 कंपनियों से अभी इनकी बात हुई है, इन्होंने 5 कंपनियों ने 85 आदमियों के लिए किया है, हामी भरी है, और बाकी वाले कंपनियों से ये कह रहे हैं 7 दिन का इन्होंने टाइम पीरियड मांगा है, 7 दिन में बाकी वाली कंपनियों से ये वार्तालाप करके हमारे 500 आदमियों की जो मांग थी वो मांग पूरी की जाएगी, और 15 गाड़ियों का भी इन्होंने हमारे को बोला है अभी, और उसके बाद भी इन्होंने कहा जो जो गाड़ियाँ वो लिस्ट दी जाएगी, और जिन 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 पंचायत जनप्रतिनिधि हैं उनसे ये हमेशा हर महीने बात की जाएगी। ठीक भाई साहब, की नाम है थोड़ो किरण धरनो तो की मांगा मानी धरनो रोजगार वास्ते तो युवाओं के लिए नाम लक्ष्य सिंह है, ग्राम पंचायत बांद्रा। आज हम युवाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट है, हमारे बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक जनधन के हितेशी मेवाराम जी जैन साहब ने प्रयास से ये कहन के साथ में हमारा समझौता हुआ है, पूर्ण रूप से हमारे को विश्वास है कि ये मांगे हमारी मानी है जो हमें भरी है, इसके लिए हम बिल्कुल सहमत है। ग्राम पंचायतों के लिए जो भी रोजगार युवा बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाएगा प्राप्त अनुसार, बाकी जो CSR की मांगे थी, जो बजट ग्राम पंचायत में खर्च होना था उनके लिए भी इन्होंने आश्वासन दिया, लिखित में भी दिया है। अभी धरना स्थल पर विधायक साहब और प्रशासन अधिकारी और कहने वाले मौके पर जाके जो हजारों की तादाद में भीड़ है उनको आश्वासन देंगे, उनके बाद में हमारा धरना स्थल स्थगित हो गया जी। 5 दिन के बाद आप लोगों की जो एक बड़ी लड़ाई थी, हल्ला बोल था, वो आज विराम की ओर है, क्या मांगे थी, किस प्रकार की सहमति बनी है? हमारी मांगे रोजगार को लेकर थी, स्थानीय वाहन जो लाइन लूजरों के वाहन कंपनी में लगाने को लेकर थी, CHR फंड हमारी आसपास की जो प्रभावित ग्राम पंचायत है उनमें खर्च हो इसको लेकर, और ड्राइवर जो ब्लैक लिस्ट थे उनको अनब्लॉक करने के लिए, और ऐसे 11 सूत्री मांग थी, और लगभग हमारी मांग पर सहमति बन गई है, और आज से इस प्रक्रिया की मतलब प्रक्रिया चालू हो गई है, और हमें पूरा विधायक साहब से और केयर्न ब्रिगेडियर साहब से पूरा भरोसा है कि हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, और हमारी ऐसे लोगों के लिए और जनता के लिए हम हर समय आवाज़ उठाएंगे, धरने भी देंगे, कभी भी कहीं जरूरत हुई तो हम धरने देंगे, क्योंकि एक जनता के लिए जनप्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि है, और जनता के लिए हमें
ऐसे कार्य करने चाहिए और ताकि जनता को न्याय मिल सके। इसके लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों जो प्रभावित ग्राम पंचायत है उन जनप्रतिनिधियों का मैं हार्दिक आभार करता हूं और सभी ग्रामवासियों युवा शक्ति का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि 5 दिन कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और आज हमारा विराम लग गया है और आगे हम इस कार्य को बंद करना चाहते हैं, धरना समाप्त करना। 5 दिन से ग्रामीणों को धरना चल रहा था, हल्ला बोल, स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने की मांग को लेकर आज आपकी उपस्थिति में बैठक हुई है, किस प्रकार की बैठक थी, क्या सहमति बनी है आज? ये वेदांत कंपनी और जो युवा लोग और वहाँ के जो काश्तकार हैं उनके रोजगार और जो यानी कि 6-7 फंड से चलकर और जो आपस में विरोध था और जो इन काफ़ी समय से इनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा था उसको लेकर धरने का बैठी थी। आज कैन के अधिकारी, जिला प्रशासन और इन सब के आपस में चर्चा होकर इन बातों पर सहमति हुई और वहाँ के बेरोजगार युवाओं को लगाने की बात इसमें हुई। वहाँ CSR फंड इन पंचायत हैं केंद्र लगाने की बात हुई, गाड़ियाँ जिनके पास है उनको लगाने की चर्चा हुई और अन्य जो विषय थे जो आपस में उन पर चर्चा होकर आपस में वार्ता हुई और वार्ता सफल रही और जो धरने में बैठे थे इन सबसे चर्चा हुई, धरना खत्म करना। सर, ग्रामीणों की कितनी बड़ी जीत है क्योंकि यहाँ पर 500 लोगों को रोजगार मिलेगा और CSR फंड वाहन सारे काम। ग्रामीणों की जो मंशा थी उन पर चर्चा हुई, सार्थक बहुत ही सार्थक कैंप के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के सामने तय किया और आप उसका आप देख लेंगे 15-20 दिन में सारा इंस्ट्रूमेंट जो बातें हुई है वो सारी बदलाव पर अमल होगा। इसमें कोई कल से ही उस पर उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्दी लोगों को इन जो सारी बातों पर। सर, कितनी बड़ी सहमति है क्योंकि जिले में ये पहली बार इतनी बड़ी सहमति कैन के बड़े अधिकारी इसमें शामिल थे और लिखित में हुई है? अच्छी बात है, दोनों की पहल है अच्छी है, यहाँ के लोगों के जो मनसा थी उसके अनुरूप की हुआ है, नहीं हुआ बहुत अच्छी बात है। इसमें सभी ने सहयोग किया है, जिला प्रशासन ने किया है, पुलिस ने किया है, सभी और कैन के अधिकारी भी इसमें शामिल रहे, जनप्रतिनिधि सारी थी, सब ने मिलकर सार्थक प्रयास किए, उसी का परिणाम है। ठीक है।